कि जिस तरह से स्ट्रिंग के लिए वेरिएबल बनते हैं उसी तरीके से नंबर के लिए भी वेरिएबल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जो स्ट्रिंग में लिखा हुआ 45 है इसके साथ प्लस माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, प्लस माइनस अगर हमें करना है तो हमें उसको या तो नंबर शुरू से ही नंबर रखें या तो उसको नंबर में कन्वर्ट करें। वो कन्वर्ट कैसे होता है वो भी हम देख लेते हैं थोड़ी देर में, आज तो नहीं शायद लेकिन देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब नंबर के वेरिएबल में क्या क्या कुछ मैं कर सकता हूँ, तो ये तो एक नंबर का वेरिएबल बना के दिखा दिया मैंने, इसको रोक दिया यहाँ पे मैंने। अब यहाँ पे आके मैं बनाता हूँ लेट नम वन इक्वल्स टू 5। ठीक है, एक और बना लेता हूँ लेट नम टू इक्वल्स टू 10। ये दो वेरिएबल बना लिए मैंने। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग में जाके नम वन को प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है, और नम टू को भी प्रिंट कर सकता हूँ। अगर मैं नम वन को प्लस करूँ और नम टू से और प्रिंट कर दूँ तो ये भी कर सकता हूँ ऑफ कोर्स। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे, जब ये कोड चलेगा तो क्या होगा, नम वन गायब हो जाएगा उसकी जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, नम टू गायब हो जाएगा उसकी जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ 5 होगा यहाँ 10 होगा, इसका मतलब है तो 5 और 10 प्लस होके जो रिजल्ट होगा ना वो प्रिंट हो जाएगा। सही है, तो ये हम कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक और बना सकता हूँ रिजल्ट कि एक तीसरा वेरिएबल बना लिया मैंने। पहले मैं वेरिएबल क्या रखता था, वेरिएबल में डायरेक्ट वैल्यू रखता था, अब मैंने क्या बोला, वेरिएबल रिजल्ट इक्वल टू नम वन। अब मैंने एक ऐसा वेरिएबल बनाया है जिसमें मैंने वैल्यू क्या दी है, एक दूसरे वेरिएबल से उठा के दिए। मैं बिल्कुल कर सकता हूँ ये, तो जब ये कोड चलेगा तो नम वन खुद हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगी, 5 तो रिजल्ट में 5 चला जाएगा, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने बोला नम वन प्लस नम टू, अब रिजल्ट में क्या चला जाएगा, जब ये कोड चलेगा नम वन गायब हो जाएगा इसकी जगह उसकी वैल्यू, नम टू गायब हो जाएगा उसकी जगह उसकी वैल्यू, दोनों प्लस होंगे रिजल्ट के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो मैं कह रहा हूँ ना, खुद गायब हो जाएगा उसकी जगह दूसरी वैल्यू आ जाएगी, दिस इज कॉल्ड रिटर्न वैल्यू। सही है, रिटर्न वैल्यू कहते हैं इसको हम, तो ये आगे भी हम पढ़ते रहेंगे पूरे कोर्स में, रिटर्न वैल्यू साथ साथ चलेगा हमारे, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। अच्छा, क्या इस प्लस की जगह मैं माइनस लगा सकता हूँ, बिल्कुल, चार ऑपरेटर हैं चारों लगा सकता हूँ मैं। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड सारे कर सकता हूँ। तो इस रिजल्ट को ज़रा कॉन्सोल पे प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि आया क्या इस रिजल्ट में, जो हमने सोचा था वही गया है या कुछ और गया है। अच्छा, ये जो कॉन्सोल डॉट लॉग है इसके अंदर पहले तो मैं एक स्ट्रिंग प्रिंट करवाता था ना, एक स्ट्रिंग करवाता था, अब मैंने कॉमा दे के एक दूसरी वैल्यू भी दे दी है इसको, तो कॉन्सोल डॉट लॉग में कॉमा कॉमा करके जितनी वैल्यू दे दो, वैल्यू स्ट्रिंग वेरिएबल कोई भी कॉम्बिनेशन दे दो, इसको मसला नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या प्रिंट किया है, एक वैल्यू स्ट्रिंग में थी वो लिखा, कॉमा डाला, कॉमा डाल के एक वेरिएबल लिख दिया। अब मैं कॉमा डाल के मैं दूसरे वेरिएबल भी यहाँ लिख सकता हूँ अगर मेरे पास है तो, फिलहाल मेरे पास नहीं है, फिलहाल मैं इसी को प्रिंट कराना चाहता हूँ। अच्छा, कॉन्सोल जब भी लगाते हैं ना साथ में थोड़ा सा स्ट्रिंग प्रिंट करना होता है, ताकि ये स्ट्रिंग पहले है उसके फ्रंट पे उसकी वैल्यू है, ताकि हमें पता चले कौन सी लाइन से कहाँ से प्रिंट हो रहा है। अभी तो एक ही है ना, कल को 200 होंगे कंसोल डॉट लॉग, तो पता नहीं चलता है कि कौन सी वैल्यू किसकी है, तो इसलिए छोटा सा स्ट्रिंग साथ में लगाना बेस्ट प्रैक्टिस है, आसानी से समझ आता है। रिफ्रेश किया मैंने, रिजल्ट इसका -5 आ गया। ठीक है, यही आना चाहिए था -5, नम वन के अंदर 5 है, नम टू के अंदर 10 है, तो 5 - 10 -5 हो गया, तो ये नंबर के वेरिएबल समझ में आ गए। यहाँ तक किसी का कोई सवाल अगर है तो पूछ ले प्लीज। जी सॉरी, मैं जोर से पूछिएगा। पहले हाँ, अच्छा, मैंने ये नहीं बोला, मैं स्ट्रिंग को हटा भी दूँ तो कोई मसला नहीं है, मैं सिर्फ रिजल्ट लिख दूँ रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी दिस इज़ परफेक्टली फाइन, रिजल्ट प्रिंट होगा, लेकिन अब देखो रिजल्ट कैसे प्रिंट होगा, पहले कैसे हुआ था, पहले ऐसे प्रिंट हुआ था ना, अब कैसे होगा,
अब सिर्फ माइनस फाइव आएगा। तो मैंने इसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने ना कंसोल डॉट लॉग में कॉमा कॉमा करके मैं जितनी वैल्यू भी दे सकता हूँ, मैं चाहूँ तो कितनी भी वैल्यू दे दूँ। तो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाया, कॉमा डाला और मैंने इस स्ट्रिंग में क्या लिख दिया, कोई भी बात लिख दिया। अभी मैंने एरो बना दिया मिसाल के तौर पर, तो ऐसे एरो बनावाएगा उसके आगे वो प्रिंट होगा, ठीक है। रिफ्रेश किया मैंने, देखो एरो बनावाया है। तो मैं क्या लिख देता हूँ साथ में यहाँ पे, रिजल्ट को मैं स्ट्रिंग में यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्या हुआ, ये मैंने रिजल्ट ही लिख दिया यहाँ पे। तो पहले ये प्रिंट होगा क्योंकि मैंने लिखा पहले, उसके बाद ये प्रिंट होगा। अच्छा, कॉमा डाल के मैं और भी मजीद दे सकता हूँ, मुझे कॉन्सोल डॉट लॉग को कॉमा कॉमा करके जितनी भी वैल्यू देता है वो ले लेता है। तो मैंने इसको दो वैल्यू दी है, और दो वैल्यू देने का रीज़न क्या था कि जब मुझे कॉन्सोल पर ये दिखे तो मुझे पता चले कि ये जो माइनस फाइव है ना, ये कहाँ से प्रिंट हुआ है, ये रिजल्ट जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ से प्रिंट हुआ है। अच्छा, तो हमने नंबर के मुताबिक जो चीज़ें थी छोटी मोटी सारी वो हमने कवर कर ली। बुक में ज़रा एक नज़र मार लेते हैं कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमने छोड़ दी। अच्छा भाई, दबे यहाँ पे अगर मैं ये करूँ कि नम वन माइनस और यहाँ पे मैं दूसरे वेरिएबल की जगह थ्री लिख दूँ तो भी सही है, क्योंकि जब ये कोड चलेगा नम वन गायब हो जाएगा, उसकी जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, और थ्री तो पहले से ही वैल्यू है तो वो दोनों आपस में एग्जीक्यूट होंगे, माइनस हो जाएगा जो भी होगा। तो क्या होगा, फाइव माइनस थ्री, तो अब यहाँ क्या चला जाएगा, टू चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी सिंपल सी बात है, बुक में इन्होंने ये भी जिक्र किया हुआ है इस पॉइंट पर, ठीक है। दो वेरिएबल आपस में प्लस हो सकते हैं, वेरिएबल नंबर के साथ प्लस हो सकता है। सही है, तो ये हमने नंबर वाला कवर कर लिया। अच्छा, उसके बाद है, जैसे मैंने जिक्र किया था कि ये वेरिएबल का नाम मेरी मर्जी का है, वेरिएबल का नाम मेरी मर्जी का है, लेकिन इस मर्जी में भी ना रिस्ट्रिक्शंस हैं, थोड़ी लिमिटेशंस हैं, कि कुछ लिमिट्स हैं, कुछ लीगल इलीगल का चक्कर है। तो अब ज़रा हम ना ये देख लेते हैं कि वेरिएबल का नाम मैं कौन कौन से नाम रख सकता हूँ और कौन कौन से नाम मैं नहीं रख सकता। बल्कि एक मैं नई फाइल बना लेता हूँ इसके लिए, वेरिएबल नेम लीगल एंड इलीगल। एक मैंने अलग फाइल बना ली है। अच्छा, इसमें मैंने स्क्रिप्ट का टैग लिखा और स्क्रिप्ट के टैग में मैंने क्या बनाया, एक अदद वेरिएबल बनाया, लेट माई नेम इक्वल्स मलिक, ठीक है। अब ये मैंने एक नाम लिखा है, अब ज़रा बुक में देख लेते हैं कि वो क्या ऐसी बातें बता रहे हैं जो वो कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, इलीगल है, वो कौन सी ऐसी बातें हैं। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन एनी स्पेसेस। वेरिएबल के नाम में जैसे माई नेम था ना, इसके बीच में मैं स्पेस नहीं दे सकता, एरर हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, नंबर दो बात, वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली लेटर नंबर डॉलर साइन एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल के नाम में ये चार ही चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं, इन चार के अलावा क्या क्या है, क्वेश्चन मार्क है जो इन चारों में नहीं आता, तो वो आप नहीं लगा सकते, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, ओनली लेटर्स, लेटर्स का मतलब है ए से जेड तक स्मॉल और कैपिटल दोनों, ठीक है। ए से जेड तक स्मॉल लेटर और ए से जेड तक कैपिटल लेटर, ये सारे लेटर्स हैं। अच्छा, नंबर्स में जीरो से लेकर नाइन तक जो है नंबर्स हैं। डॉलर साइन और अंडर स्कोर, डॉलर साइन तो पता है, डॉलर के आजकल रेट ही इतने ऊपर गए हैं, डॉलर हर कोई पहचानता है। अंडर स्कोर अनदर एंड क्या होता है, हाइफन होता है लेकिन थोड़ा नीचे होता है, आपके कीबोर्ड में माइनस का जो बटन है ना उसी के उस शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो अंडर स्कोर आता है, ठीक है, थोड़ा नीचे होता है, लेटा हुआ होता है। अच्छा, तो ये चार के अलावा कोई पांचवी चीज़ आप वेरिएबल के नाम में शामिल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा तो ये एरर है, या कोई ऐसा स्पेशल कैरेक्टर एट द रेट तो ये भी एरर है। अच्छा, डॉलर साइन लगा सकता हूँ मैं और अंडर स्कोर में लगा सकता हूँ, ठीक है, ये मुझे मना नहीं है लगाना। अच्छा, अब मैं और क्या नहीं कर सकता, वेरिएबल नेम कैन नॉट बी जावा स्क्रिप्ट कीवर्ड, ठीक है। कह रहे हैं कि वेरिएबल का जो नाम होगा ना आपका, जैसे लेट है ना, लेट एक क्या है, कीवर्ड है, तो मैं लेट के नाम से वेरिएबल नहीं बना सकता, एरर है। सही है,
इसी तरह एक कीवर्ड है इफ, उस नाम से भी नहीं बना सकता। एक कीवर्ड है फॉर, उस नाम से भी नहीं बना सकता। हाँ लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि फॉर का एफ कैपिटल कर दूँ, क्योंकि कीवर्ड तो स्मॉल लेटर से, केस सेंसिटिव है ना, तो फॉर जो स्मॉल से कीवर्ड है वो अलग है, कैपिटल से लिखूंगा तो वो अलग हो जाएगा फिर, ठीक है। या मैं क्या कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा फॉर मी, सही है, स्मॉल लेटर से ही फॉर लिखा है लेकिन साथ में मी लगा दिया। कुछ आगे या कुछ पीछे लगाना पड़ेगा, एग्जैक्ट वो नाम नहीं रख सकते आप और उसी केस में नहीं रख सकते, या तो केस चेंज करेंगे या तो आगे पीछे कुछ लगाएंगे तो वो ओके हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर मी कर दिया मैंने तो ये सही है फिर, इसमें कोई एरर नहीं है। अच्छा अब उसके बाद इसने कहा कि कैपिटल लेटर्स आर फाइन बट बी केयरफुल, ये वही बताना चाह रहा है कि कैपिटल लेटर से जो बना हुआ वेरिएबल है, जैसे मैंने क्या बनाया, मैंने बनाया रोज़ और मैंने एक बनाया यहाँ पे कैपिटल आर से रोज़, तो ये स्मॉल वाला रोज़ और कैपिटल वाला रोज़ ना अलग अलग है। या मैंने अगर स्मॉल से नेम बनाया या मैंने कैपिटल से नेम बनाया यहाँ पे, तो ये दोनों अलग अलग हैं। मैं स्मॉल वाले को प्रिंट करूँगा तो ये प्रिंट होगा, ठीक है। इसका मैं वैल्यू भी चेंज कर देता हूँ, जॉन, तो स्मॉल वाले नेम से करूँगा तो जॉन प्रिंट होगा, कैपिटल एन से नेम प्रिंट करूँगा तो मलिक प्रिंट होगा, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हैं, तो कह रहे हैं कि कैपिटल लेटर से भी बना सकते हो आप, लेकिन बी केयरफुल कि आप फिर बाद में स्मॉल से पता चले उसको गाइड कर रहे हो। अच्छा अब आगे क्या है भाई, अच्छा एक चीज शायद उसने यहाँ पे जिक्र नहीं की है, बाद में की होगी शायद, वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम नंबर, यहाँ पे इसने ये बात बताई नहीं है। वेल मैं अलग से बता देता हूँ आपको कि जैसे ये नेम लिखा हुआ है ना, मैं नेम के आगे वन यहाँ तो लगा सकता हूँ, मैं नेम के बीच में वन लगा सकता हूँ, लेकिन मैं नेम के शुरू में नंबर नहीं लगा सकता, ये एरर है, ठीक है। शुरू में अगर नंबर लग गया तो वो एरर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आखिर में दरमियान में लगा सकता हूँ नंबर, शुरू में नहीं लगा सकता। अच्छा ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये बुक आपको शेयर कर दी जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। अगर कोई किसी के पास नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप का तो वो आपस में शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। किसी के पास बुक है ये वाली? yes, है तुम्हारे पास ग्रुप? हाँ तो ग्रुप में दोबारा शेयर कर देना, अगर कोई किसी के पास नहीं है ना तो वो ग्रुप में शेयर कर देंगे ये दोबारा। स्पेसेस है ये तो, अच्छा तो नंबर से शुरू नहीं हो सकता, ये हमने देख लिया। अच्छा अब अगला क्या पॉइंट है, आई टीच द कैमल केस नेमिंग कन्वेंशन, वाई कैमल केस, बिकॉज देयर आर हम्प्स और टू और थ्री इन द मिडल नेम इन फॉर्म ऑफ वर्ड। अब इसने बड़ी मुश्किल सी बात लिखी है, मैं वैसे अलग से बता देता हूँ। देखो अब मुझे एक वेरिएबल बनाना है जिसमें मुझे यूज़र से क्या इनपुट लेना है, यूज़र से मुझे उसके डेट इनपुट लेना है अपॉइंटमेंट का, ठीक है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लेना है। तो मैं वेरिएबल का नाम क्या रखूँगा, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट किसका? तो एक तो मुझे वेरिएबल का नाम रखना है डिस्क्रिप्टिव, ए बी सी से भी वेरिएबल बना देते हैं, वेरिएबल का नाम ए भी लिखूंगा ना तो ये भी वैलिड नेम है, मना नहीं है मुझे ए से बनाना, लेकिन इस तरह बनाना रेकमेंडेड नहीं है। वेरिएबल का नाम डिस्क्रिप्टिव हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं हो, मतलब छः छः लाइन की भी वेरिएबल का नाम नहीं बन रहा हो, लेकिन वेरिएबल का नाम डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। क्यों? वो इसलिए होना चाहिए कि एक प्रोग्रामर था, वो एक कोड लिख रहा था, बहुत कोई मुश्किल किस्म का कोड लिख रहा होगा, किसी इदारे के लिए काम कर रहा था, तो वो उसने बोला कि मैं जो सीक्रेट बिल्कुल छुपा के लिख रहा था, किसी को बता नहीं था वो, ठीक है, किसी हो सकता है फौजी इदारे के लिए लिख रहा हो। तो उसने बोला कि मैं जब वो बना रहा था ना वेरिएबल, तो सिर्फ मुझे पता था और मेरे रब को पता था कि वो मैं वेरिएबल में क्यों बना रहा हूँ, सही है। अच्छा फिर थोड़े दिन बाद जब मैं उस में चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ी, दो चार महीने बाद, फिर मैंने जब वो कोड खोला तो सिर्फ मेरे रब को ही पता था कि वो वेरिएबल मैंने क्यों बनाया, क्योंकि बनाया होगा उसने ए बी सी करके, एक्स वाई जेड करके, अब ए क्यों था, ए में क्या सेव है पता ही नहीं चल रहा। तो इसलिए वेरिएबल का नाम डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। तो मुझे लेना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यूज़र इनपुट और क्या अपॉइंटमेंट डेट था ना, हाँ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, तो ए डबल पी ओ आई एन टी अपॉइंटमेंट डेट। तो मैं नाम वेरिएबल का ना मैं ऐसा रखूँगा,
डिस्क्रिप्टिव, ताकि मैं मुझे पढ़ के पता चले कि क्या है वेरिएबल का नाम। अच्छा, लेकिन ये पढ़ा जा रहा है क्या? अच्छा, तो यहाँ पे आता है कैमल केस, जो आपको क्या करता है, हेल्प करता है। अच्छा, कौन सा वाला ज्यादा रीडेबल है? रीडेबल तो खैर दोनों नहीं है लेकिन थोड़ा ज्यादा रीडेबल कौन सा वाला है? सेकंड वाला ऐसा लग रहा है देखने में। अच्छा, मैं अब एक बात लिखता हूँ, नहीं अंडरस्कोर जो है वो इसमें कन्वेंशन कैमल केस की है जावास्क्रिप्ट में। मैं एक कोई और बात लिखता हूँ, पढ़ा जा रहा है नहीं पढ़ा जा रहा है? ठीक है, लेकिन मैं अगर आके पहला कैरेक्टर सबका अगर कैपिटल कर दूँ तो फिर ये थोड़ा रीडेबल हो जाता है। ठीक है, थोड़ा रीडेबल हो जाता है ये। तो कैमल केस का बेनिफिट ये होता है कि जब आप दो या तीन कैरेक्टर को, क्योंकि स्पेस तो है नहीं, बगैर स्पेस के आप लिखते हैं तो वो मिक्स होते हैं ना, तो थोड़ा रीडेबल रहता है अगर कैमल केस में आप लिखे हो। अदरवाइज़ अगर आप स्मॉल में लिख दें सारा या कैपिटल में लिख दें सारा तो वो मसला करता है। अच्छा, ये रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ना जो केसेस हैं, कैमल केस के अलावा भी कन्वेंशंस मौजूद हैं, जैसे कि अंडरस्कोर कन्वेंशन है, और कौन सी है, और भी दो तीन है, एक डॉलर करके कन्वेंशन है, पता नहीं कौन सी। वेल, तो जावास्क्रिप्ट के जो डेवलपर्स हैं ना अराउंड द वर्ल्ड, वो ये वाला सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। आप कोई सा भी यूज़ कर लें, सब अलाउ है, मतलब इलीगल नहीं है वो सब यूज़ करना, लेकिन जावास्क्रिप्ट के डेवलपर ये वाला ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, स्टिल ये कहलाता है नेमिंग कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या चीज़ होती है बता सकता है कोई? व्हाट इज़ अ कन्वेंशन? ऐसे बोलते हैं ना कन्वेंशनल। हाँ जी बोले। एक तरीका जो राइज हुआ हुआ होता है, जो सब लोग एग्री हैं जिसके ऊपर। अच्छा, और कोई बताना चाहेगा? कन्वेंशन जब सुनते हैं अंग्रेजी में, कन्वेंशन का क्या मतलब, क्योंकि नाम में छुपी हुई है सारी कहानी, नाम पे गौर करोगे तो सब पता चल जाएगा। नेमिंग कन्वेंशन, तो कन्वेंशन क्या है, मतलब क्या होता है कन्वेंशन का? एग्रीड अपॉन कोई भी चीज़ है तो उसको कन्वेंशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आप खाली रोड पर गाड़ी चला रहे हैं, कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, वन एक ही रास्ता है जाने और आने दोनों का। अब आप भी जा रहे हैं 50-60 की स्पीड में तो होंगे, इससे कम तो चलती नहीं है हमारी बाइकें गाड़ियाँ जो भी है। अब सामने से भी एक बंदा आ रहा है, अब क्या करोगे? राइट पे लगाओगे, लेफ्ट पे लगाओगे? लेफ्ट पे, अपने लेफ्ट पे हो जाओगे। अच्छा, वो क्या करेगा? वो अपने लेफ्ट पे हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कोई ट्रैफिक वाला चालान कर रहा है क्या कि अगर लेफ्ट पे नहीं होगा तो चालान हो जाएगा? कोई नहीं है, अपनी मर्जी से हो रहे हो ना, क्यों हो रहे हो? ताकि आराम, वो भी निकल जाए, आप भी निकल जाए, आपको ब्रेक ना मारना पड़े, कन्वीनियंस हो रहा है आपका। ठीक है, तो दिस इज कन्वेंशन, कि दो पार्टीज़ ने पहले से डिसाइड है आपस में कि मैं अपने लेफ्ट पे चलाऊंगा, वो अपने लेफ्ट पे चलाएगा, तो दोनों को सहूलत है, दोनों सही चल रहे हैं। ठीक है, अगर आप नहीं भी चलाएंगे लेफ्ट पे, आप बीच में ही खड़े रहें तो कुछ भी नहीं होगा, क्या होगा? वो आएगा सामने से तो उसको ब्रेक मारनी पड़ेगी, आपको ही ब्रेक मारनी पड़ेगी, फिर थोड़ी एक दूसरे के हाल अहवाल पूछेंगे, फिर आगे चल जाएंगे। ऐसा ही है, तो हेलो हाय करने का एक मौका मिल जाएगा आपको। तो इनकन्वीनियंस है। अब इमेजिन करो कि मैं रास्ते में जा रहा हूँ, 10 किलोमीटर का सफ़र है, अब हर एक आध किलोमीटर पर मेरे साथ ये हाल अहवाल पूछने खड़ा हो जाता है कोई, तो फिर मैं पहुँच गया मैं तो क्लास लेने। ठीक है, तो कन्वेंशन का ये फ़ायदा होता है कि दो पार्टीज़ ना, यानी अमंग द डेवलपर्स दिस इज़ डिसाइडेड, आप ये फॉलो करेंगे तो दूसरा डेवलपर जब आपका कोड पढ़ेगा या किसी कंपनी में आप जॉब करेंगे तो वहाँ सब लोग इसको फॉलो कर रहे होते हैं, तो आप भी फॉलो करेंगे तो आप उसका पार्ट बन जाएंगे, आपको लोग पसंद करेंगे, आपके कोड को भी पसंद करेंगे। आप बोलेंगे नहीं यार मैं तो अंडर स्कोर वाला लिखूंगा, चलेगा वो भी, रीडेबल इससे ज़्यादा है वो, इस वाले से ज़्यादा रीडेबल है वो, लेकिन ये पसंद करते हैं लोग। अब कुछ है रीज़न इसका, वो आप जब कोडिंग लिखेंगे तो आप भी शायद, आपको भी यही पसंद है आगे चल के,
तो ये हमने देखा कि कन्वेंशन क्या चीज़ होती है। तो भाई ये नेमिंग कन्वेंशन है। अच्छा, नेमिंग कन्वेंशन के अलावा भी कुछ कन्वेंशन होती है जो वक्त के साथ साथ मैं जिक्र करता रहूँगा जहाँ जहाँ पे मौका आएगा। तो अच्छा, इसको क्या कहते हैं? कैमल केस। कैमल केस क्यों कहते हैं? कि ये शुरू होता है छोटे से और बीच में से बम्प आते रहते हैं इसके, तो कैमल के भी पीछे बम्प होते हैं, कोहान कहते हैं इसको। तो उससे इंस्पायर होके इसको कैमल केस बोलना शुरू कर दिया लोगों ने। ठीक है, पहली बार जब मैंने देखा मैंने कहा शायद इसमें से कैमल वैमल कुछ बनता हो इससे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कुछ भी, इससे कैमल नहीं बना। अच्छा, अब ज़रा हमने वेरिएबल, जब क्योंकि नंबर वाले वेरिएबल तो हमने बनाना सीख लिए हैं, तो अब ज़रा हम उसके क्या पढ़ लें? ऑपरेटर्स सारे पढ़ लें। तो ये चैप्टर क्या कह रहा है? मैथ एक्सप्रेशन फेमिलियर ऑपरेटर्स। अब कौन मुझे ये बताएगा, देखो नाम में छुपी हुई है ना सारी कहानी, मैथ एक्सप्रेशंस, व्हाट इज एन एक्सप्रेशन? जब अंग्रेजी, अभी प्रोग्रामिंग को भूल जाओ, व्हाट इज एन एक्सप्रेशन? अंग्रेजी में एक्सप्रेशन किस चीज को कहते हैं? एक्सप्रेस करने के लिए। और एक्सप्रेस करना क्या होता है? इजहार ख्याल। एक्सप्रेस यानी अपनी बात का इजहार करना, इसको एक्सप्रेस करना बोलते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या हुआ? तासुरात हुए अपने। अच्छा, अब मैथ एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन तो पता चल गया ना, अपनी बात कोई बोलना चाह रहा है, कोई तासुरात है अपने। ठीक है, आपको किसी से प्यार हो, आजकल तो यही चल रहा है ना मूवीज में कि, तो आपको जब उसको बताना है ना अपनी बात, तो आपको क्या करना है? वो एक्सप्रेशन कहलाएगा। जैसे एक्सप्रेस योर लव, या एक्सप्रेस योर जो भी, अगर आपको भूख लगी हुई है, आप बोलना चाह रहे हैं कि यार मुझे भूख लगी है, खाना खाना है मुझे, तो ये आप क्या कर रहे हैं? आप एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मुझे भूख लगी है, या आपको पानी चाहिए, जो भी है। तो कोई भी बात, जैसे बच्चा एक्सप्रेस कैसे करता है अपने आप को? बच्चे को भूख प्यास लगती है, एक ही हल है उसके बाद बाहर रोना शुरू कर देगा, और कुछ नहीं है उसके पास। ठीक है, लेकिन व्हेन यू ग्रो अप यू लर्न हाउ टू स्पीक, यू लर्न लैंग्वेजेस, और ऐसी लैंग्वेज जो सामने वाला भी समझता है, आप भी समझते हैं, तो फिर आप उस लैंग्वेज में बोलते हैं यार मुझे पानी चाहिए। अब ये मैथ एक्सप्रेशन क्या बोला है भाई? एक्सप्रेशन तो समझ में आ गया, ब्रेन स्ट्रॉमिंग का सवाल है, कोई सही गलत नहीं है इसमें, अपना ओपिनियन दो, सही आता हो सब, और आता हो तो फिर आते क्यों यहाँ पे? मैथ के ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, वो एक्सप्रेशन है मैथ का। एक दोस्त ने मैथ में चीज़ों को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, मैथ की ज़ुबान में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? क्या बात है, बहुत अच्छा बात बोली आपने। और कोई भाई, मैथ भी तो एक ज़ुबान है ना, मैथ भी एक लैंग्वेज ही है। और मैथ बाय द वे, मैथ एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया में सेम है, मतलब पूरी दुनिया में किसी भी जगह पर 2 + 2 = 4 ही होता है, 5 नहीं हो सकता या 3 नहीं हो सकता। ठीक है, मैथ एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। तो रस्मुलख़त उसकी मुख्तलिफ हो सकती है, कोई उर्दू में 4 अलग तरह से लिखा जाता है, अरबी में 4 अलग, इंग्लिश में 4 लिखते हैं उसको, रस्मुलख़त अलग है लिखने का अंदाज, लेकिन 4 और 4 = 8 ही होगा। तो प्लीज़ ज़रा अपना ओपिनियन दें कि मैथ एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, नाम से ही पता चलिए मैथ एक ज़ुबान है और एक्सप्रेस कर रहे हैं कुछ आप मैथ की ज़ुबान में। तो दोस्त ने बिल्कुल सही कहा, और सारे लोगों ने सही कहा ऑलमोस्ट, कि मैथ की ज़ुबान में अगर मैं अपनी बात का इजहार कर रहा हूँ तो वो मैथ एक्सप्रेशन है। अच्छा, मैं अगर कह रहा हूँ कि मुझे भूख लगी है, अपनी अम्मी से कह रहा हूँ मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए, तो क्या ये एक्सप्रेशन जो है ये मैथ एक्सप्रेशन है? ये मैथ एक्सप्रेशन नहीं, क्योंकि ये मैथ की ज़ुबान में नहीं हो रहा, ये अंग्रेज़ी का एक्सप्रेशन है या उर्दू का एक्सप्रेशन है, जो भी ज़ुबान में यूज़ कर रहा हूँ वो एक्सप्रेशन ही है। मैथ का एक्सप्रेशन कौन सा होता है? अगर मैंने ये लिखा है 2 + 2, इसमें ज़ुबान कौन सी यूज़ हो रही है? मैथ। और मैंने कुछ लिखा है तो मतलब कुछ लिख के दिखा रहा हूँ ना, किसी को दिखा रहा हूँ, तो मैं अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो इंजीनियर, जब एक मैथमेटिशियन अपनी बात दूसरे मैथमेटिशियन को समझाता है ना, तो वो जो बात लिखता है ना मैथ की ज़ुबान में। अच्छा चलो, एक मैथ एक्सप्रेशन दिखाता हूँ मैं।
मैंने कहा कि भाई पी इक्वल्स टू टोटल डिवाइड बाई, मैं खुद ही भूल गया, टोटल मल्टीप्लाई बाई ऑब्टेन 100 सॉरी ऑब्टेन पहले होता है, देखो मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, भूल गया। अच्छा अच्छा सही है, लेट होता है ना इसमें, तो वेरिएबल लेट होता है। अच्छा तो ये जो मैंने बात लिखी ये क्या है, ये कुछ बताया है मैंने, कुछ बोला है, क्या बोला है आप सब लोग समझ चुके हैं, बताया जरा। ये परसेंटेज निकालने का तरीका है मैथ की जुबान में, मैंने आपसे बोला कि ये करो, ठीक है, और इस चीज़ को परसेंटेज, इस एक्सप्रेशन को मशहूर कर दिया गया है परसेंटेज निकालने का फार्मूला के नाम से, ठीक है, परसेंटेज निकालने के फार्मूले के नाम से मशहूर कर दिया है। मिसाल के तौर पे एक फ़कीर है, वो कहता है यार अल्लाह के नाम पे दे दो भाई, एक एक्सप्रेशन है ना उसका, कह यार मैं भूखा हूँ खाना खिला दूँ मुझे, तो उसको किस नाम से मशहूर किया गया है, गदागरी, भीख मांगने के नाम से, ये भीख मांग रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये भी एक बात लिखी हुई है कि ये करो, और इसका नाम रख दिया गया है परसेंटेज का फार्मूला। इस तरह बहुत सारे एक्सप्रेशन का कुछ ना कुछ नाम रखा जा चुका है, जैसे एक एक्सप्रेशन होता है परसेंटेज निकालने का, और होता तो एक एक्सप्रेशन, एक जुमला होता है, वो मैथ की ज़ुबान में एक जुमला लिखा हुआ होता है, लेकिन उसको मशहूर कर दिया गया है परसेंटेज का फार्मूला ही, ठीक है। इसी तरह केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का एक फार्मूला है, तो वो एक जुमला है, जैसे बहुत सारे मशहूर लोग होते हैं ना, उनके मुँह से जो जुमला निकलता है वो सुनहरे अल्फाज में लिख दिया जाता है, लोग उसको याद रखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह मैथ में भी बहुत सारे लोगों के मुंह से ऐसी, मुंह से तो नहीं हाथ से कलम से ऐसी बात लिख दी गई है जिसको लोगों ने मशहूर कर दिया है कि परसेंटेज निकालने का फार्मूला। तो हमने ये देखा कि एक्सप्रेशन क्या होता है, कि जब दो इंजीनियर आपस में बात करते हैं या जो मैथमेटिशियन आपस में बात करते हैं, तो वो मैथ में कुछ लिख के बता रहा है अगर, तो मैथ एक्सप्रेशन है। अच्छा अब इसको मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, मैथ एक्सप्रेशन को R E S U L T 2+2, क्या ये 2+2 मैथ एक्सप्रेशन है? हाँ बिल्कुल है, मैथ की ज़ुबान में कोई भी बात लिखी है वो मैथ एक्सप्रेशन है, ठीक है, कोई भी बात लिखी हुई है वो मैथ एक्सप्रेशन है। अब सवाल ये है कि मैथ एक्सप्रेशन जब जावास्क्रिप्ट देखेगा तो जावास्क्रिप्ट उसको करेगा क्या, उसका जावास्क्रिप्ट मैथ एक्सप्रेशन के साथ क्या सलूक करेगा, कैसे हैंडल करेगा उसको, कैसे उसको ट्रीट करेगा, कैसे उसको चलाएगा, ठीक है। तो वो हम आप पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। वेन एवर यू यूज अ नंबर यू कैन यूज अ मैथ एक्सप्रेशन, कह रहे हैं नंबर सीख गए तो नंबर ही तो जुबान है असल, अब उसमें तुम एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू आर फेमिलियर विथ दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट, कह रहे हैं ये तो आप कर चुके हो पहले, कि वेरिएबल बनाया उसमें 4 रख दिया, इन्होंने देखो बार करके बनाया ES5, हम ES6 पढ़ रहे हैं नया वाला, हम लेट करके बनाते हैं। अच्छा बट यू कैन ऑल्सो राइट दिस, ठीक है, दो नंबर को प्लस करके डाल दिया, तो ये दो नंबर क्या था, ये एक्सप्रेशन था। जावास्क्रिप्ट जब भी इस तरह की एक्सप्रेशन को देखेगा पहले एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट करेगा एक सिंगल वैल्यू पे, ठीक है। ये हम थोड़ी देर पहले भी एक्सपीरियंस किया था हमने, लेकिन हमें उस वक्त तक पता नहीं था कि ये है क्या, अब हमें पता चल गया कि ये जो बात लिखी हुई है ना, दिस इज अ मैथ एक्सप्रेशन, और जावास्क्रिप्ट जहाँ पे भी एक्सप्रेशन देखेगा, इवन दो के वो मैथ के हो ना भी हो, तो दूसरे भी एक्सप्रेशन हो, वो उसको इवेल्यूएट करेगा सिंगल वैल्यू पर। अब मैथ एक्सप्रेशन के अलावा कौन से होते हैं एक्सप्रेशन, वो अभी हमें पता नहीं है, वो जब देखेंगे तो फिर देखेंगे, अभी तो मैथ एक्सप्रेशन ही पता है। तो वेल, तो कोई भी एक्सप्रेशन होगा मैथ का हो सकता है, वो जावास्क्रिप्ट जब उसको देखेगा, जावास्क्रिप्ट विल ट्राई टू इवेल्यूएट दैट एक्सप्रेशन इनटू अ सिंगल वैल्यू। अच्छा तो इसको क्या बनेगी, इसकी सिंगल वैल्यू 4 बनेगी, ठीक है, और 4 चला जाएगा इस वेरिएबल, बहुत सिंपल है। अच्छा इसी तरीके से अगर माइनस होगा तो भी ये एक्सप्रेशन है, मल्टीप्लाई होगा तो भी ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। अच्छा कोई वेरिएबल अगर होगा उस पर प्लस लगा हुआ है 20, तो ये भी क्या है, एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये नंबर जो है ना, ये नम का जो वेरिएबल है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, जब ये कोड चलेगा तो नम जो है वो खुद हट जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे असल में 10 हो जाएगा, 10+200, तो ये भी एक मैथ एक्सप्रेशन ही है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल नंबर नहीं है, वो वेरिएबल है, कि वेरिएबल में अभी जो वैल्यू है ना उसके साथ करो,
अच्छा फिर इसने क्या किया, दो नंबर दो वेरिएबल हो तो भी मैथ एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल क्या है, नंबर के वेरिएबल है, बीच में प्लस लगा हुआ है, तो जब ये कोड चलेगा ये नम हट जाएगा इसकी वैल्यू, अनदर नम हट जाएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी, और दोनों इवेल्युएट होंगे सिंगल वैल्यू पर। तो जावा स्क्रिप्ट जहाँ पे भी एक्सप्रेशन देखेगा, मैथ एक्सप्रेशन खास तौर पे, तो उसको सिंगल वैल्यू पे इवेल्युएट करेगा। अच्छा अब एक ऑपरेटर हमारे पास आ गया है, ये नया वाला, इसको थोड़ी देर में देखते हैं, पहले ज़रा ये जो चार ऑपरेटर है ना, इससे थोड़ा सा एक दो कुछ करके देखते हैं एक्सपेरिमेंट, कि जावा स्क्रिप्ट सिंगल वैल्यू पे तो इवेल्युएट करेगा, लेकिन करेगा कैसे और उस करने के दौरान क्या क्या कहानियाँ चल रही होंगी बैकग्राउंड में और फोरग्राउंड में, तो वो कहानियाँ थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। अच्छा तो 2+2 तो बहुत ही सिंपल था। अच्छा इसको 2+2 को ना मैं ऐसे कट करके एक नई फाइल बना लेता हूँ, दैट वुड बी कॉल्ड 6. मैथ एक्सप्रेशन, ठीक है, मैथ एक्सप्रेशन के नाम से एक पहले अलग से फाइल बना ली। मैंने यहाँ पे एक बेसिक एचटीएमएल लिख लिया, बेसिक एचटीएमएल लिखने के बाद मैंने स्क्रिप्ट टैग बनाया और इसको मैं यहाँ लिखा रहा हूँ। अच्छा साथ साथ मैं एक हेडिंग भी लगा देता हूँ, इसमें इसका नाम मैं रखता हूँ ठीक है, मैंने कहा कि ES6 मैथ एक्सप्रेशन। अच्छा मैथ एक्सप्रेशन में वैसे कोई फ़र्क है नहीं 5 और 6 में, एक ही है, इतना सा भी फ़र्क नहीं है, लेकिन वेल हम ES6 पढ़ रहे हैं तो मैंने ES6 यहाँ लिखा है इस वजह से। 2+2 मैंने कहा कि यार ये 4 बन के प्रिंट हो जाएगा, तो पहले ज़रा इसको इतने को कंसोल करा लें कि क्या वाकई ये 4 बन के प्रिंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है रिजल्ट लिखा मैंने और रिजल्ट लिख के उसको मैंने सेव करवा दिया, कंट्रोल एस करना ज़रूरी है अदरवाइज वो फिर चलता नहीं है, ठीक है ना। अच्छा ES6 मैथ एक्सप्रेशन रिफ्रेश किया मैंने, 4 प्रिंट हो गया मेरे पास, कहाँ पे कंसोल के ऊपर मेरे पास 4 प्रिंट हो गया, तो इसका मतलब है जो मैंने सोचा था वो सही सोचा था, ऐसा ही है। ठीक है जब अभी जब भी हम कोई चीज़ पढ़ेंगे कुछ सोचेंगे उसको पहले हम समझ लेंगे कि अच्छा यार इस तरह से चलने लगा ये, ठीक है उसको हम ड्राई रन करेंगे। ड्राई रन का मतलब क्या है, कोड एक्चुअल में रन करने से पहले उसको अपने ब्रेन में सिमुलेट करना, उसको अपने ब्रेन में एग्जीक्यूट करना कि जब ये चलेगा तो इसका रिजल्ट कैसे आएगा और कहाँ पर आएगा, कैसे कैसे क्या करेगा ये, तो दैट इज़ कॉल्ड ड्राई रन। ठीक है उसके बाद हम उसको वेरीफाई करने के लिए ना ड्राई रन को हम एक बार चला के भी देखेंगे आखिर में। अच्छा जी तो ये हो गया भाई, 2 अगर हैं तो ऐसे हो जाएगा, मैंने यहाँ पे प्लस लगाया और 4 भी एक लगा दिया साथ में, अब क्या होगा, 4 को भी प्लस कर देगा वो, पहले 2 और 2 को करता था अब इस 4 को भी कर देगा, तो 8 हो जाएगा रिजल्ट। ठीक है देखते हैं 8 होता ही नहीं होता, 8 हो गया। अच्छा अब मैं एक काम करता हूँ, हाँ मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ अभी, ठीक है उसी की तरफ आ रहा हूँ। अब मैंने डिवाइड लगाया और यहाँ पे लगाया मल्टीप्लाई, अब बताओ क्या इसका रिजल्ट आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं 13, एरर तो नहीं आएगा, एरर क्यों आएगा, एरर किस चीज़ का एरर आएगा, मल्टीप्लाई पहले मल्टीप्लाई लिखना होगा, डिवाइड बाद में लिखना होगा, नहीं तो नहीं ऐसे लिखा है अगर मैंने तो नहीं, मैथ में अगर ऐसे लिखा है तो क्या मैथ में मुझे ये इसको इस तरह सीक्वेंस में लाना पड़ता है क्या, मुझे भाई दे मैथ इतनी आती नहीं है सही है, सीक्वेंस ज़रूरी नहीं होता मैथ में, तो बहुत सारे दोस्त बता रहे हैं सीक्वेंस ज़रूरी नहीं होता, ठीक है तो इस सीक्वेंस में भी लिखा हुआ है तो ये सही है। हाँ वो रिजल्ट आगे पीछे होगा, हो सकता है रिजल्ट 0 आ जाए माइनस में चला जाए, ठीक है कुछ लोग कह रहे हैं 12 आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं 13 आएगा, और कोई जवाब किसी का, 15 भी कुछ लोग कह रहे हैं। अच्छा तो मैं भी ज़रा, मुझे भी नहीं पता क्या आएगा, मैं भी लगाता हूँ हिसाब। अच्छा देखो अगर मैं इसको करूँगा ना
टू डिवाइड बाई टू तो ये क्या बनेगा जीरो, फिर जीरो प्लस फोर क्या बनेगा है टू डिवाइड बाई टू वन आता है, हाँ वन आता है, सही 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 है वन आता है। अच्छा वन प्लस फोर फाइव हो गया, फाइव मल्टीप्लाई बाई थ्री पंद्रह, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि जिसमें पंद्रह रिजल्ट आता है वो गलत है, अच्छा ठीक है। तो पंद्रह एक दोस्त ने कहा था तो पंद्रह मेरा भी इस तरह आया। अच्छा एक रिजल्ट ये हो सकता है कि पहले मैं मल्टीप्लाई कर दूं फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री, अच्छा पहले डिवाइड होगा उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, फोर थ्री सर ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन हो गया। तो अब ये तो हो गई एम्बिगुइटी, ये क्या हो गई एम्बिगुइटी के एक ही एक्सप्रेशन है, मतलब मैथ की जुबान में ये क्या ऐसा लिख दिया मैंने कि एक तरफ से पकड़ता हूँ तो रिजल्ट कुछ और है, दूसरी तरफ से पकड़ता हूँ तो रिजल्ट कुछ और ही है, तो बड़ा मसला है। अब जावास्क्रिप्ट कौन से तरीके से करेगा इसको, ये सवाल है। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो मैथ को हैंडल करने के लिए अपना कोई तरीका इंट्रोड्यूस नहीं करवाता, जो मैथ के अंदर जो तरीका पहले से मौजूद है दैट इज़ कॉल्ड बॉर्ड मास रूल, उसको ही फॉलो करता है, उसी के तरीके से ही करता है। बॉर्ड मास का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बी है कि ब्रैकेट ऑर्डर, ब्रैकेट तो इसमें है नहीं फिलहाल तो ब्रैकेट को छोड़ दो, उसके बाद है डी, बी ओ से ब्रैकेट ऑर्डर, उसके बाद डी, डी का मतलब डिवाइड, तो सबसे पहले डिवाइड होगा, ठीक है डिवाइड होगा तो आंसर आएगा वन, उसके बाद डी के बाद एम है, एम का मतलब है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई उसके बाद होगा, फोर थ्री सर ट्वेल्व, और उसके बाद ए और एस, एड और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा मल्टीप्लाई और डिवाइड वन गो में होगा और ऐड और सब्ट्रैक्शन वन गो में होगा, ठीक है इस तरह से होता है। मैथ में भी इसी तरह होता है, जावास्क्रिप्ट में भी इसी तरह होता है, मतलब पहले डिवाइड बाद में मल्टीप्लाई नहीं होता, ठीक है डिवाइड और मल्टीप्लाई वन गो में होता है, यानी जैसे सीधे एक्सप्रेशन में जितने डिवाइड और मल्टीप्लाई आएंगे ना मैं लाइन्स उसको करता चला जाऊँगा और फिर अगले गो में मैं उसको दूसरे वाले को करूँगा। अच्छा अब सवाल ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा, चलो बॉर्ड मास में तो ये चार आ गया ना, और भी तो ऑपरेटर होते हैं जावास्क्रिप्ट में, मॉड्यूलस होता है, अभी वो हमने पढ़ा नहीं है, अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं। तो जावास्क्रिप्ट की भी कोई डॉक्यूमेंटेशन ऐसी होनी चाहिए ना जो मुझे बताए कि कौन सा पहले चलेगा कौन सा बाद में चलेगा। तो इसकी अच्छा इसको पहले तो चला के देख लेते हैं, इसका आंसर क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए, ठीक है ये वाले दोनों गलत हैं, हमने जो बॉर्ड मास के तरीके से सॉल्व किया था वो 13 आ रहा है, ठीक है तो 13 सही आंसर है। तो हम जो बॉर्ड मास के रूल से समझ रहे थे कि ये चलाता है तो वो सही समझ रहे हैं कि बॉर्ड मास का ही रूल है, लेकिन ज़रा जावास्क्रिप्ट की डॉक्यूमेंटेशन भी देख लेते हैं, क्या लिखूंगा मैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, और ये आ गया जनाब थोड़े तो जावास्क्रिप्ट ने लिखा ना मैंने, अच्छा तो ये मोज़िला डॉक्यूमेंट्स, ये मोज़िला वालों ने डॉक्यूमेंट अपना लिखा है बड़े अच्छे से लिखा है, और भी लोगों ने लिखा है लेकिन इनका काफ़ी बेहतर है। मैंने इनका पहला जो लिंक आया था मोज़िला वालों का ये लिंक ओपन कर लिया, और लिंक ओपन करने के बाद मैं कहाँ चला गया, थोड़ा सा स्क्रॉल किया और नीचे जाके मैंने क्या देखा, एक लिस्ट एक टेबल बनी हुई है, इसमें जावास्क्रिप्ट के अंदर मौजूद तमाम ऑपरेटर्स इस लिस्ट में मौजूद हैं और किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस कितनी है वो भी लिखा हुआ है, जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा है उसको पहले काम किया जाएगा, उसके बाद फिर जिसकी है उसके बाद उसका किया जाएगा, और सबसे लास्ट में जिसकी प्रेसिडेंस है सबसे लास्ट में उसको देखा जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले 18 नंबर प्रेसिडेंस जो है वो किसका है, गोल वाली ब्रैकेट का, ठीक है ब्रैकेट ऑर्डर यानी कि बॉर्ड मास जो होता है, तो गोल वाली ब्रैकेट के अंदर अगर कोई बात लिखी हुई है तो उसकी प्रेसिडेंस है 18, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस है, ग्रुपिंग दैट इज़ कॉल्ड ग्रुपिंग। मैथ में भी यही होता है कि ग्रुप कर देते हैं एक इधर ब्रैकेट एक उधर, तो दोनों को पहले करते हैं फिर बाहर जो है उसको बाद में करते हैं, यही होता है, तो यहाँ पर भी यही है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें अभी तक तो बहुत सारे ऑपरेटर इसमें दिखा रहे हैं ना, ये हमने तो इतने सारे नहीं पढ़े, हमने जो पढ़े हैं वो ढूंढ लेते हैं। ये रहा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों की प्रेसिडेंस क्या है 12, इसका मतलब है ये दोनों वन गो में किया जाएगा, दोनों की प्रेसिडेंस सेम है 12 है तो इसका मतलब है वन गो में ये दोनों काम किए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि पहले मैं डिवाइड करूँ वो करके फिर दूसरे गो में मल्टीप्लाई करूँ सबको। अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें 200 नंबर्स हैं लाइंस और उनके बीच में मुख्तलिफ मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस सब मिक्स है,
तो मैं वन गो में जब शुरू करूँगा ना, तो मैं वन गो में मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों को करता हुआ जाऊँगा पूरा आखिर तक, ठीक है। फिर जो रह जाएगा ना उसको अगले गो में क्या करूँगा मैं, प्लस और माइनस। अभी तक हमने ये चार ही ऑपरेटर पढ़े हैं, तो हम चार को ही देखते हैं, उससे आगे और पीछे अभी फिलहाल हम नहीं देखते, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्या है, 11 प्रेसिडेंस इसकी 11 है, तो इसकी थोड़ी कम है, तो पहले 12 वाले को किया जाएगा, उसके बाद 11 वाले को किया जाएगा। 11 एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों की 11 है, तो दोनों को वन गो में किया जाएगा, ठीक है। बाय द वे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर मैं वन गो में ना करूँ तो कोई मसला है? मतलब एक मेरे पास एक्सप्रेशन है, मैं अपने इसी एक्सप्रेशन को खोल लेता हूँ। अगर मैं इसमें सिर्फ प्लस और माइनस है, तो मैं अगर वन गो में प्लस को करूँ उसके बाद लास्ट में आके माइनस को करूँ, या माइनस को साथ साथ ही करते हुए जाऊँ, तो इसमें कोई इशू है? दोनों फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है कोई। इसी तरह मल्टीप्लाई और डिवाइड को भी अगर मैं वन गो में करूँ ना, तो कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में फ़र्क आ जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में, इसमें नहीं आता, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड में कुछ केसेस में अगर पहले या बाद में करूँ ना, तो फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड, जब अगर हम कैलकुलेटर बनाएंगे ना यहाँ पे बड़े एक्सप्रेशन को सॉल्व करने वाला, तो मल्टीप्लाई डिवाइड वन गो में अगर हम ना करें तो थोड़ा सा रिजल्ट में फ़र्क आ जाता है, बहुत माइनर कुछ केसेस में, ये मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट, अच्छा वो भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या होगा, लेफ्ट से राइट होगा या राइट से लेफ्ट होगा। मतलब अगर लिखा हुआ है कि 5 डिवाइड बाई 3, तो डिवाइड का मतलब होता है काट के हिस्से करना ना उसके। जैसे भाई एक केक रखा हुआ है मेरे सामने, चार लोग बैठे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा 1 केक डिवाइड बाई 4, चार जगह डिवाइड मारो इसको, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई 4 है, तो अब लिखा हुआ है कि भाई 10 डिवाइड बाई 5, तो 10 को काट के डिवाइड करे पांच जगह पर, या 5 को काट के डिवाइड करे 10 जगह पर, ये एक सवाल है ना। तो ये होगा लेफ्ट से राइट, कि जो चीज़ लेफ्ट में है उसको डिवाइड किया जा रहा है और राइट में उसकी क्वांटिटी लिखी हुई है, तो लेफ्ट टू राइट इस वजह से यहाँ पे बताया हुआ है। एडिशन में भी इसी तरह लेफ्ट टू राइट है, लेकिन एडिशन में केस अलग है, राइट टू लेफ्ट भी कर दो तो एक ही बात है, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड में ये थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है, अगर आप उल्टा कर देना तो आंसर उल्टा आ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से वन गो में करना पड़ता है आपको मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों को, ठीक है। वन गो में ना करें तो इसीलिए फ़र्क आ जाता है, क्योंकि उल्टा पुल्टे का चक्कर है इसमें, ठीक है जी। फ्रैक्शन में मतलब सब्ट्रैक्शन में साइन का फ़र्क नहीं, नहीं क्यों आएगा, अगर मैं पहले प्लस कर दूं सारे और बाद में माइनस करूं तो अलग आंसर आ जाएगा। नहीं, मिसाल के तौर पे जैसे तुम ये कह रहे हो कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले आ गया और डिवाइड बाद में आया, तो पहले किसको करेगा, और अगर यहाँ पे पहले ये है तो नहीं, ये तो करेगा ही। असल में वो पूरे एक्सप्रेशन की बात ही नहीं कर रहा ना वहाँ, तो उस चार्ट में ना पूरे एक्सप्रेशन की बात नहीं हो रही, उस चार्ट में ये सिर्फ दो ही हैं, एक ऑपरेटर है, दो ऑपरेंड है दो साइड पे, ये इसकी बात कर रहा है। पूरा एक्सप्रेशन तो हम समझ रहे हैं ना, हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से, लेकिन यहाँ पे आप नोट करेंगे ये लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बताया हुआ क्या है कि एक वैल्यू यहाँ होगी, एक वैल्यू यहाँ होगी, और बीच में एक ऑपरेटर होगा। ये ऑपरेटर के बारे में ये बात हो रही है, ये अभी एक्सप्रेशन की तो बात ही नहीं कर रहा, ये डॉक्यूमेंट एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रहा, ये इसी के अंदर लेफ्ट टू राइट बता रहा है, समझ रहे हो। और ऑब्वियस बात है यहाँ पे लिखा हुआ है 5, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 10, चलो 10 डिवाइड बाई 5, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर 2 है। लेकिन मैं 5 डिवाइड बाई 10 अगर कर दूँ राइट से लेफ्ट कर दूँ, तो आंसर क्या हो गया, आंसर चेंज हो गया, चेंज हुआ ना, या नहीं हुआ। 10 डिवाइड बाई 5 क्या हुआ, 2 हुआ, लेकिन 5 डिवाइड बाई 10 क्या हुआ, 0.5 हो गया, ये तो उल्टा हो गया आंसर,
ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट ये एक ऑपरेटर में बता रहा है। अच्छा, और अब पहले किसको करेंगे बाद में किसको करेंगे ना, उसमें तो यही है भाई, प्रेसिडेंस अगर सेम है ना किसी की, ठीक है, तो वन गो में मैं ये वाला दोनों काम करूँगा। ठीक है, अगर यहाँ पे भी कोई ऐसे डिवाइड वगैरह लगा हुआ है ना, वन गो में ही होगा ये, और कैसे होगा मैं बता देता हूँ कैसे होगा। देखो, टू डिवाइड बाई टू वन, वन मल्टीप्लाई बाई फोर, वन मल्टीप्लाई बाई फोर, फोर हो गया। क्या मतलब दो स्टेप? नहीं, मैं वन को मैं करता हुआ जा रहा हूँ ना, मैं वन को असल में तुम कुछ और समझ रहे थे, वन को मैं इसको कह रहा हूँ, वन को मैं समझा रहा हूँ ना क्या है। देखो, टू डिवाइड बाई टू वन, उसके बाद वन मल्टीप्लाई बाई फोर, फोर। अब प्लस नहीं करूँगा मैं, क्योंकि इस गो में मुझे प्लस नहीं करना, बोलो प्लस मुझे अगले गो में करना है, तो इस गो में मज़ीद आगे बढ़ जाऊँगा मैं। थ्री डिवाइड बाई टू 1.5। अच्छा चलो, नंबर चेंज कर देता हूँ मैं, फोर कर देता हूँ। फोर डिवाइड बाई टू, टू हो गया। ठीक है, अब ये इसको नेक्स्ट गो में मैं ये वाला करूँगा काम, मतलब आखिर तक जितना होगा ना सब कर दूँगा, फिर नेक्स्ट टाइम आऊँगा अगले गो में प्लस माइनस साथ साथ करूँगा। ठीक है जी, तो ये हमने एक्सप्रेशन को थोड़ा सा देख लिया कि भाई मैथ एक्सप्रेशन क्या होते हैं, मैथ एक्सप्रेशन को जावास्क्रिप्ट किस तरह से हैंडल करेगा, बॉडमास के रूल के ज़रिए करेगा, जिनको मैथ आती है उनके लिए बॉडमास ही काफ़ी है, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर भी इसकी एक डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे बनी हुई है, और हम एज अ प्रोग्रामर हम इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करेंगे। बॉडमास के अंदर सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का जिक्र है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, तो इसमें तमाम ऑपरेटर्स का जिक्र है। तो ये हमने कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना, अब आगे का हमारा कौन सा चैप्टर है? अच्छा, बस अभी इतने पे हम रोकते हैं इसको, और इतने पे रोक के ना अब हमें करना है एक अदद, क्या करना है हमें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। नेट नहीं चल रहा, लेकिन मैं जो प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा उसका नेट से ताल्लुक नहीं है। सही है ये, इसका अब इसमें नेट कहाँ यूज़ किया मैंने तो नेट यूज़ नहीं किया। सही है। अच्छा अच्छा, तो भाई क्या हम करें प्रैक्टिस? अब मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ जिसका मैं नाम क्या रखूँगा, एक कैलकुलेटर बनाते हैं छोटा सा। मैंने एक फोल्डर बनाया, इसका नाम रखा मैंने यूजर इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, HTML5 का फॉर्म आप सब लोग पढ़ चुके हैं, राइट? HTML5 का फॉर्म आप सब लोग पढ़ चुके हैं, उसके अंदर इनपुट लेने के लिए हम क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं, फॉर्म। ठीक है, तो मैं एक इनपुट और आउटपुट लेने का ना तरीका मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इनपुट और आउटपुट लेने का तरीका मैं इस पॉइंट पे इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि जाहिर है जो भी आप ऐप्स बनाएंगे छोटी छोटी जावास्क्रिप्ट में, तो उसमें यूज़र से इनपुट लेंगे ना। जैसे मैंने बोला कि भाई फीट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की एक ऐप बना दो, तो एक इनपुट बॉक्स होना चाहिए ना जिससे आप फीट लोगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। फिर मैंने बोला कि यार आप ना ये बना दो कि दो नंबर ले लो यूज़र से, दोनों को प्लस करके स्क्रीन पर दिखा दो। तो वो नंबर लेने के लिए क्या चाहिए होगा, हमें एक अदद इनपुट बॉक्स चाहिए होगा, उससे हम कैसे इनपुट लेते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो हम ये सीख रहे हैं आज के बाद, हम जितनी भी छोटी मोटी चीज़ सीखेंगे उसकी हम छोटी छोटी ऐप भी बनाते चले जाएंगे साथ साथ। तो मैंने फॉर्म लिख दिया। अब फॉर्म में क्या चाहिए होता है आपको, मिसाल के तौर पर मुझे चाहिए इस वक्त दो इनपुट बॉक्सेस, तो मैं लिखूँगा कि यार इनपुट और इनपुट इनपुट। सही है, मैंने कहा नम वन नम टू। सही है, दो मैंने लिख दिए। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ ये दोनों अलग अलग लाइन में आए, तो उसके लिए बी आर का मार्कअप है। ये देखा भाई आप लोगों ने सबने? सही है। अच्छा, उसके बाद मैं चाहता हूँ एक बटन आ जाए, एक और बी आर लगाया मैंने लाइन चेंज करने के लिए। फिर मैंने बोला बटन एक चाहिए मुझे, बटन का नाम क्या हो, सम। सही है, और बटन की टाइप क्या हो जाए, सबमिट। ठीक है, जिससे ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा।
मैंने कहा कि फॉर्म जब सबमिट हो ऑन सबमिट क्या किया जाए, ऑन सबमिट में जो करना है वो मैं जावास्क्रिप्ट में उसको नीचे बता दूंगा। मैंने कहा भाई डू सम करो, ठीक है, डू सम के नाम से नीचे भी एक फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन अभी हमने पढ़ा नहीं है, बाद में कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको हम बॉयलर प्लेट के तौर पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस तरह ही होता है हमेशा, ये इनपुट का काम हमेशा ऐसा ही होता है। अच्छा, और मैं साथ में इसके लगाऊंगा रिटर्न फॉल्स। अच्छा, ये वाला जो रिटर्न फॉल्स मैंने लगाया ना कॉलन देखे, ये मैंने इसलिए लगाया है कि फॉर्म जब सबमिट होता है तो वो पेज रिफ्रेश हो जाता है ऑटोमेटिकली। इसको लगाने से ना वो नहीं होता, पेज रिफ्रेश नहीं होता, ठीक है, ऑटोमेटिक। तो इसके लिए वैसे भाई देखो दूसरा एक तरीका होता है प्रिवेंट डिफॉल्ट, लेकिन वो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ये रिटर्न फॉल्स हम लगाएंगे, आसान है बहुत ही इस वजह से। अच्छा, फिर क्या होगा भाई, मैंने स्क्रिप्ट का टैग लगाया, स्क्रिप्ट के टैग में ये जो डू सम लिखा है ना मैंने, इस नाम का मैं क्या बनाऊँगा, ये कहता है फंक्शन, फंक्शन डू सम। ठीक है, अच्छा फंक्शन क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है फंक्शन, कि भाई जब ये बटन पे क्लिक हो ना तो इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट के दरमियान जो भी कोड है उसको एक दफ़ा रन कर दो। तो मैंने बोला कॉन्सोल डॉट लॉग और आई एम रनिंग, सही ऐसे मैंने लिख दिया। तो मुझे क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि इस बटन के क्लिक करने पे क्या ये कोड रन होता है नहीं होता, पहले मुझे ये देखना है। तो इतने को पहले वेरीफाई करते हैं, मार्कअप सबको पता है, ये सबमिट का बटन क्लिक करने पे मैंने कहा ऑन सबमिट पे ना डू सम को चला दो। तो अब मैं डू सम पे क्लिक करूंगा, अगर ये इतना पूरा कोड चला रहा है ये, तो ये कंसोल आ जाना चाहिए, वेरीफाई हो जाएगा कि ठीक है भाई ये कोड चल रहा है इतना। अच्छा, इसको कॉपी पाथ, ये क्या सही ना, कॉपी पाथ नहीं हुआ सही। ठीक है, कंसोल को मैंने क्लियर कर लिया ये बटन दबा के। अब मैं सम का बटन प्रेस करूंगा तो आई एम रनिंग देखो लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब है ये बटन जब मैं दबाता हूं तो क्या होता है, ये डू सम का फंक्शन कॉल होता है। फंक्शन अभी डिटेल में हम आगे चल के पढ़ेंगे। और डू सम का फंक्शन कॉल होने का मतलब है यहां से लेके यहां तक का जो भी कोड लिखा हुआ है इसके दरमियान वो एक बार चल जाएगा। अब इस कोड के अंदर मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, जो बंदे ने इनपुट बॉक्स में बात लिखी है वो उठानी है, सही है, उसको उठाने का एक फिक्स तरीका है, हमेशा उसी तरह उठाया जाएगा, वो बता देता हूँ मैं कि क्या है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, और क्वेरी सेलेक्टर करके मुझे आईडी देनी पड़ेगी उस एलिमेंट की। हर मार्कअप को एक आईडी दे सकते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो इसको हम दे देते हैं नम वन, एक आईडी दे देते हैं। अच्छा, मैंने क्या ऊपर आईडी दी है, नहीं दी है, आईडी देनी पड़ेगी मुझे यहाँ नम वन। ठीक है, इस इनपुट बॉक्स की जो भी आईडी है ना उससे मैंने क्या किया, उसको उठा लिया और लास्ट में लिखा डॉट वैल्यू। ये फिक्स तरीका है, हमेशा इसी तरह होगा। और मैंने इस पूरी वैल्यू को कहाँ रख लिया, ये पूरी वैल्यू थी ना मेरी, उसको उठा के मैंने कहाँ रख लिया, एक अदद वेरिएबल में रख लिया। अच्छा, इसी तरह नम टू का भी होगा, नम टू और यहाँ पर भी टू। ये हैश का मतलब होता है आईडी के जरिए उठा रहा हूँ, क्लास के जरिए भी उठा सकता हूँ। गेट एलिमेंट बाई आई डी वो भी तरीका है, ये ज़्यादा बेहतर है, हैश नहीं लगाते कोई नहीं। इसमें गेट एलिमेंट बाई आई डी नहीं किया ना मैंने, मैंने क्वेरी सेलेक्टर लिखा है। क्वेरी सेलेक्टर में आपको ये हैश लगाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि क्वेरी सेलेक्टर में आप एलिमेंट के नाम से भी उसको उठा सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं जस्ट इनपुट बोलूँगा ना तो इनपुट से उठ के आ जाएगा, लेकिन वो दोनों एक साथ आ जाते हैं तो थोड़ा इनकन्वीनियंस रहता है। तो फिलहाल अभी ये तरीका मैंने बताया। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का मतलब क्या है, कि डॉक्यूमेंट मतलब मेरे HTML के डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। ठीक है, देखो टॉप पे लिखा हुआ है ना डॉक टाइप HTML के, डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, HTML है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये इस HTML डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं हम। और मैंने बोला कि क्वेरी करो उसके ऊपर, क्वेरी का मतलब है इस डॉक्यूमेंट में तलाश करो, क्या तलाश करो, हैश नम वन, हैश का मतलब है आईडी तलाश करो और उसका आईडी का नाम क्या हो, नम वन। वो आईडी तलाश करके ना वो इनपुट बॉक्स पूरा ही उठा के ले आएगा। फिर मैंने बोला उस इनपुट बॉक्स की वैल्यू लेकर आना, सही। तो इस अच्छा ये फिक्स है, यह शुरू में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन ये हमेशा ऐसे ही होगा। तो ये आपको एक टाइम आएगा आपको ये याद हो जाएगा, जैसे मुझे याद है इसी तरह आपको याद हो जाएगा। तो मैंने नम वन और नम टू से, अच्छा नम टू दिया मैंने, नम टू नहीं दिया, ये भी देना पड़ेगा मुझे, सही है, दोनों को मैंने आईडी दे दी, दोनों से मैं वैल्यू उठा लूँगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि console.log
क्या कर दो, num1 के आगे num1 प्रिंट कर दो और num2 के आगे num2 प्रिंट कर दो। मैं देखना चाह रहा हूँ ना कि भाई मेरे हिसाब से तो मैंने उठा लिया है वो जो यूज़र ने टाइप किया था वहाँ, उसको मैंने गेट कर लिया है, लेकिन क्या वाकई गेट हो गया कि नहीं हो गया, उसके लिए कंसोल करा के इसको देख लेते हैं। अगर इसमें वेरिएबल में गेट हो गया होगा वो नंबर तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। आते हैं जी, रिफ्रेश करता हूँ, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, नम वन में ये आ गया, नम टू में ये आ गया, सही है, यहाँ तक का काम ओके हो गया, हमने वैल्यू उठा ली उस इनपुट बॉक्स में से। अब ये वैल्यू उठाने के बाद मैं क्या करूँगा, इन दोनों को प्लस करवाना है ना मुझे। मैंने बोला लेट रिजल्ट इक्वल टू नम वन प्लस नम टू, ठीक है, ये दो वेरिएबल को मैंने प्लस करके एक तीसरे वेरिएबल में डाल दिया। अब ये तीसरा वेरिएबल क्या है, मेरा रिजल्ट है, और इस रिजल्ट को मैंने कहाँ डिस्प्ले करवाना है, स्क्रीन पर। तो पहले तो मैं कंसोल डॉट लॉग पे इसको प्रिंट करा लेता हूँ कि भाई आया कि वाकई प्लस हो गया है कि नहीं हो गया। ये ठीक है, मैंने स्क्रीन पे पहले प्रिंट करवा लिया, कहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग पे। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग ना डेवलपर्स के लिए होता है, डेवलपर लॉग्स कहते हैं इसको। ये आम बंदा कभी आपने नहीं देखा होगा इस तरह खोल के बैठा हो, लेकिन आप क्योंकि डेवलपर हैं तो आप जब भी कोडिंग कर रहे होंगे आपके सामने ये खुला हुआ होना चाहिए, क्योंकि जो भी एरर आएगा वो इधर ही आएगा। अच्छा, मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, मैंने कहा 23 प्लस 12 सम, ये क्या होगा, ये प्लस हो के क्या बन गया, 2 3 1 2 बन गया ये। अब क्या करें भाई। अच्छा, क्यों हुआ ये समझा देता हूँ। जब भी कोई इनपुट बॉक्स से मैं इनपुट लेता हूँ तो उसकी मुझे टाइप स्ट्रिंग मिलती है, बावजूद इसके देखो मैं यहाँ के ना टाइप नंबर भी कर दूँ ना, अगर टाइप नंबर कर दिया मैंने, सही है, टाइप नंबर करके यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। अब देखो यहाँ पे ना नंबर तो टाइप होगा, टेक्स्ट टाइप नहीं होगा, ए बी सी डी टाइप नहीं होगा यहाँ पे, इसने रोक दिया मुझे। लेकिन उसके बावजूद भी ना जब मैं इसको कहता हूँ ना 20 प्लस 20 तो इसने क्या बना दिया, 20 20 बना दिया इसने। अब इसका क्या करें हम, जैसा कि हमने जिक्र किया था कि प्लस माइनस करने के लिए मुझे या तो शुरू में ही नंबर चाहिए या अगर स्ट्रिंग है तो उसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे। तो नंबर में कन्वर्ट करने का एक शॉर्टकट है, इससे पहले मैं छोटा सा प्लस लगा दूँ, ठीक है, तो ये नंबर बन जाएगा, खुद ही शॉर्टकट है ये। और कैपिटल एन से नंबर का फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा इसी तरह होगा ये, नहीं प्लस करने से ये नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, कास्ट हो जाता है, टाइप कास्टिंग कहते हैं। अच्छा, मैं यहाँ भी प्लस लगा सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पे भी लगा सकता हूँ इस जगह पे, क्योंकि इस पॉइंट पे ये स्ट्रिंग है ना, अगर मैंने ऊपर इसको कास्ट नहीं किया तो इस पॉइंट पे ये क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग से पहले मैं प्लस लगाता हूँ तो ये क्या हो जाता है नंबर में, लेकिन बेहतर है कि मैं ऊपर ही लगा दूँ, सही है। अच्छा, इसका एक तरीका और क्या है, इसका एक तरीका और ये है कि मैं बोलूँ नम वन इक्वल्स टू नंबर नम वन, ठीक है, और नम टू के साथ भी मैं यही करूँ, सही है। अगर मैं ये प्लस हटा देता हूँ, शॉर्टकट तरीका मैंने बोला ना प्लस है, तो प्रॉपर तरीका ये है कि मैंने कहा है कि नम वन को क्या कर दो, नंबर में कन्वर्ट करके वापस कहाँ डाल दो, उसी वेरिएबल में डाल दो नंबर में कन्वर्ट करके। तो ये प्रॉपर तरीका है इसका, शॉर्टकट के तौर पे प्लस भी लगा सकते हैं। तो अभी शॉर्टकट नहीं करते, अभी ये वाला कर लेते हैं। अच्छा, रिफ्रेश किया मैंने, मैंने कहा 20 प्लस 20 सम 40 हो गया, ठीक है। अब इस 40 को मैंने क्या करना है, स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। ये तो मैंने कंसोल में प्रिंट करवाया है, स्क्रीन पे कैसे प्रिंट करवाऊँ। स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए मुझे यहाँ पे पहले से क्या करना पड़ेगा, एक H2 का एलिमेंट मैंने पहले से बना दिया यहाँ पे, उसको मैंने क्या दे दिया, एक आई डी, और मैंने कहा आई डी है रिजल्ट, और इस H2 में कुछ भी नहीं लिखा मैंने, खाली छोड़ दिया इस H2 को। खाली छोड़ने की सूरत में ये स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगा शुरू में, लेकिन मैं बाद में क्या करूँगा, जब मेरे पास रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा तो रिजल्ट प्रोड्यूस होने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और मैंने कहा कि क्या करो, रिजल्ट के नाम से एक आईडी है, रिजल्ट के नाम से एक आईडी है, उसका डॉट इनर
HTML जो है equals to क्या कर दो, result. समझ आ रहा है क्या लिखा भाई? मैंने बोला है डॉक्यूमेंट पे जाओ, क्वेरी सेलेक्टर यानी कि तलाश करो एक ऐसा एलिमेंट जिस पे आईडी क्या लगी हुई है, रिजल्ट. नमाज के लिए दो मिनट भेजता हूँ. रिजल्ट लगी हुई है उस पे आईडी, उस एलिमेंट को उठाओ, उस एलिमेंट के अंदर जो एचटीएमएल है उसका, उसमें क्या रखवा दो एचटीएमएल में, ये चीज़ रखवा दो जो मैंने अभी बताई है, रिजल्ट ये रखवा दो उसके अंदर. तो जैसे ही उसके अंदर ये पहुँचेगा तो वो स्क्रीन पर दिख जाएगा, क्योंकि एच टू के अंदर जो भी होता है बीच में वो स्क्रीन पे दिखता है. चला के देखते हैं. रिफ्रेश किया मैंने, अब मैंने कहा 23 12 सम स्क्रीन पे आ गया. तो हमने इस पॉइंट पे क्या देख लिया, यूज़र से इनपुट लेना सीख लिया, उसको प्रोसेस किया और आउटपुट डिस्प्ले करना सीख लिया हमने. ठीक है, ये हमने काम फ़िलहाल अभी तक कर लिया है. अच्छा, अब आप नमाज़ पढ़ के वापस आएँ, उसके बाद ये इम्पोर्टेंस इसकी डिस्कस होगी कि इनपुट और आउटपुट की इम्पोर्टेंस असल में है क्या, हम ये क्यों कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट हमने क्यों लिया, क्यों लेना सीखा. ठीक है, और फिर हम थोड़ी सी और मज़ीद डिस्कशन वाली बात है, स्टोरीज़ हैं, कहानियाँ हैं जो मैंने आपको सुनानी है इनपुट आउटपुट से मुतल्लिक, वो नमाज़ पढ़ के आप आएंगे तो फिर हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, जल्दी से चले जाएँ सब लोगों.